किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था? खुश भी थे, सहमे भी थे, नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी स्कूल खत्म हुआ ही था तो कॉलेज के नए सपने सजा रखे थे। अभी तक तो बस सुना ही था कि कॉलेज में ऐसा होता है, वैसा होता है, पर आज हम उसे खुद महसूस करने जा रहे थे। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सब कहते थे। वो पल याद है क्या जब पहली बार जाके क्लास में बैठे थे? एक स्माइल थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है, टीचर्स ने भी आके डरा दिया था, जिसको सीनियर्स कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जोश था कुछ करने के लिए, जो पता नहीं था कि आगे चल के खत्म हो जाएगा। तब तो बिल्कुल खूबसूरत बन के जाते थे, मालूम नहीं था कि ये मोह भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी, फिर तो दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। थोड़े दिन घबराहट के बाद इस माहौल में हम सभी घुल गए। क्लास में कम अब बाहर ज्यादा रहना होता था। टाइम से कॉलेज पहुंच भी गए तो क्लास में देर से ही पहुंचना होता था। 10 बजे की क्लास में 10:30 तक पहुंच जाते थे। कोई यार अपना प्रॉक्सी लगवा देता था अगर कभी नहीं जा पाते थे। क्लास को छोड़ के बाहर कहीं भी घूमे, चाहे कहीं पे बैठे ही, बस क्लास में नहीं बैठना था। क्लास में भी बैठ के मस्तियां ही होती थी, हमें कौन सा पढ़ना होता था। 10 मिनट के अंदर रेडी होने का जादू यहाँ से सीखा। अटेंडेंस के लिए मेडिकल के जुगाड़ का एक से एक तरीका। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मिलकर कॉलेज को गालियां ना दी हो, सबसे परेशान हो गए, रोज रोज नई एप्लीकेशन ना लिखी हो, फैकल्टी की अटेंडेंस ना देने की धमकी, फिर कैबिन में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। एक साथ कई सारी चीजों को मैनेज करना सीखा। जिंदगी का पहला सुट्टा भी यारों यही आके खींचा। चलती क्लास के बीच में ही मूवी का प्लान बन जाता था। किसी बोरिंग लेक्चर के लिए मास बंक का ख्याल आता था। दोस्त के रूम पे जाके चलती थी हुक्का पार्टी। सबसे आजाद थे, मजा आता था, जी कर ये आजादी। रात को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट